मुझे बचपन से ही नेचर से बहुत प्यार था। मेरे गांव के आसपास पेड़ पौधे जंगल बहुत सारी चीज़ें जिसमें मेरा बचपन बीता। 2 साल पहले शहरों में पानी की समस्या हो गई, जिसके कारण सरकार ने सिंचाई के लिए बोरवेल के पानी पे प्रतिबंध लगा लिया, जो कि हमारे लिए एक बड़ी समस्या थी। मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ये मेरे गाँव की नहीं पूरे विश्व की समस्या है। 97% वाटर सी वाटर है, 2.4% वाटर ग्लेशियर के रूप में ध्रुवों पे है, 0.6% वाटर ही पीने योग्य है, जो कि काफ़ी कम है। इसलिए मुझे रियलाइज हुआ कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो कि सी वाटर को ही प्यूरीफाई करके पीने योग्य बनाए। प्रोटोटाइप रेडी करने में मुझे काफ़ी समस्या हुई, क्योंकि मैं स्कूल से पास आउट हो चुका था और कॉलेज में कहीं नाम भी नहीं लिखाया था, जिसके कारण मुझे कहीं भी वर्कशॉप की एक्सेस नहीं मिल पाया। इसलिए मुझे उसे घर पे और दोस्तों की मदद से बनाना पड़ा। अमन पहले से ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा है। उसका बेसिक इंटरेस्ट यही है कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंट को सुधार सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। मेरे बेटे पर बहुत गर्व है, जो भी परेशानी वो हार नहीं मानता है। पुराने वाटर प्यूरीफाइंग सिस्टम की कमियों को ध्यान में रखते हुए हम एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, जो कि जलराज है। इसमें हमने अलग अलग नीड के हिसाब से 4 प्रकार के मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है। मेरा प्रोडक्ट जलराज, जो कि 80% वाटर को प्योर करेगा, सोलर पावर बेस्ड है और एक ग्रीन प्रोडक्ट है। ये अगर मार्केट में आता है तो पुराने सभी प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देगा, और ऐसे ही प्रोडक्ट की ज़रूरत लोगों को है।